कोई एबसेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो फीस कलेक्शन ऑटोमैटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना टीचमेंट अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर चाहे जैसी भी जरूरत हो टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका सबसे पहले मैं आपको इनफॉर्मेशन दे देता हूँ हम आर टी आई ऑनलाइन यानी कि आर टी आई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट पर यहाँ पर कोई एक्शन लेगा या फिर नहीं लेगा इससे रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आर बी आई ऑफिस अटेंडेंट जो एग्ज़ाम आपकी नाइन और टेंथ डेट को कंडक्ट कराई गई थी अप्रैल मंथ में उस एग्ज़ाम का जब मैं एनालिसिस करने गया था सेंटर पर तो यहाँ पर लगभग मैंने देखा कि फिफ्टी परसेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लायर थे जब हमने यहाँ पर सर्वे भी किया थ्रू ऑनलाइन तो वहाँ पर हमें बहुत सारे वोट मिले कि यहाँ पर लगभग फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट थे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो आप अगर ग्रेजुएट हो तो ज़रूर एंड तक वीडियो देखिए आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी या आने वाला कोई भी एग्ज़ाम आप बैंकिंग रिलेटेड नहीं दे पाओगे या फिर आप ओनली आर का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे उधर बैंकिंग एग्ज़ाम आप दे सकते हो क्या आपके साथ ये होना होने वाला है चलिए मैं आपको यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जैसे कि हम आर टी ऑनलाइन पर आ गए जो कि यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट पर कड़ा फ़ैसला लेने वाली है अगर आपको भी कोई क्वारी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो आप देख सकते हो हेल्प डेस्क है और आपका टाइमिंग यहाँ पर दे रखा है आपको यहाँ पर हेल्प यहाँ पर ऑनलाइन उनका डी ओ पी टी एट यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा तो प्लीज़ अगर आपको कोई क्वायरी है रिलेटेड टू रिज़ल्ट आर बी आई ऑफिस अटेंडेंट तो आप यहाँ पर अपनी क्वाईरी सबमिट कर सकते हैं विद इन ट्वेंटी फोर हावर आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा या फिर रिप्लाई मिल जाएगा थ्रू जी मेल तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आई टी आई ऑनलाइन जो कि यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट पर फैसला लेने वाली है तो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉमेसन दे देता हूँ जैसे कि आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर लगभग फोर सेक्शन में कंडक्ट कराई गई थी तो फोर सेक्शन का आपका डिफरेंट कट ऑफ लगेगा जो स्टूडेंट उस कट ऑफ में आ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा बात कर लेते हैं कट ऑफ की तो नाइन्टी प्लस आपका कट ऑफ जाने वाला है यू के लिए यानी कि एट्टी प्लस वाले बच्चे यहाँ पर सिक्योर है तो चलिए यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं रिलेट टू रिज़ल्ट आप बात कर ले रिज़ल्ट की तो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा तो रिज़ल्ट जैसे कि मैंने खुद आर ऑफिस यानी कि आई को भी मैंने ईमेल किया था बात कर लेते यहाँ पर ऑफिस कॉल की तो मैंने खुद आर ऑफिस में कॉल किया था और जेन्यून इन्फॉर्मेशन उनको पूछ ली थी तो लगभग यहाँ पर हाफ़ मिनट या फिर वन मिनट उस स्टाफ ने मुझसे बातें की तो अगर आपने वह कॉल अभी तक भी नहीं सुना तो प्लीज़ वह ऑडियो क्लिप आप सुन लीजिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूँगा और हालांकि लगभग चार पाँच दिन हो गए यहाँ पर एक जीमेल भी आया था जिसका यानी कि जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और वह वीडियो देख लीजिए तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे तो चलिए हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि लगभग फिफ्टी परसेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने अप्लाई किया था मैंने जैसे कि बोला आपको जैसे ही सेंटर पर गया यहाँ पर मुझे बहुत सारे कैंडिडेट मिले जिनका ग्रेजुएट कम्प्लीट हो गया था या फिर उनका अभी अभी यहाँ पर ग्रेजुएट कम्प्लीट हुआ है और उन उन्होंने जब अप्लाई किया था तब उनका ग्रेजुएट कम्प्लीट नहीं था बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही हो गए जिनको डाउट है कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ अब तो मेरा क्या होगा तो प्लीज़ आप यहाँ पर कोई भी टेंशन मत लीजिए अगर आपको कोई भी टेंशन है या फिर क्वारी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर मेरा अभी अभी ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया है अभी तक रिजल्ट आया नहीं है तो मेरा क्या होने वाला है ठीक है तो बात कर लेते यहाँ पर 2016 और 17 की जब आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था थ्रू आर थ्रू आर जैसे कि यहाँ पर पिछले साल का कट ऑफ मैंने बता दिया है आपको बात कर लेते उस बार भी बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट ने अप्लाई किया था उनके ऊपर कुछ फैसला लिया गया या नहीं तो मैं बता देता हूँ 2016-17 में आपका एग्ज़ाम जो था वो भी 120 मार्क्स का था ऑल टोटल यही सब वहाँ पर भी रूल अप्लाई किए गए थे बात कर लेते हैं ग्रेजुएट की तो यहाँ पर भी ग्रेजुएट ने लगभग 30 परसेंट ग्रेजुएट ने उस टाइम भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए और एग्ज़ाम देकर आए थे लेकिन उस समय आर ने उन पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया कोई भी उन पर एक्शन नहीं लिया लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो आर क्या कर सकती है ओनली मैं आपको बता देता हूँ ओनली यहाँ पर आपको आर रिलेटेड तो आर रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे अगर आप पर कोई एक्शन हो जाता है थ्रू आर तो आर आपको आने वाला कोई भी एग्ज़ाम आर का नहीं देने देगी तो